Assalamu alaikum to all my lovely students. Today I will teach you maths of second class and I am going to start a new chapter and the chapter is chapter number 13, the longest step. Students, in this chapter we are learning about measurement of length. हम इस चैप्टर में लेंथ के लेंथ को मैं कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में सीखेंगे एंड इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ और उसको इस्तेमाल कैसे करना है. नॉन स्टैंडर्ड यूनिट जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स मेजर से ऑब्जेक्ट कैसे मेजर करना है उसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर एंड introduction, that means part one of our chapter. Okay students, let's start. Students, you can see in the picture the hand span, foot span and the cubit are given. Okay students, they are known as non-standard unit of measurement of length. Okay students, you can measure your objects using hand span, foot span and cubit. Okay, but the measurement are coming different every time because the measurement of the size of hand span, foot span and cubit are not same of every person. क्योंकि सबके hand span, foot span और cubit का size same नहीं होता इसलिए हर एक person पर measurement different आता है. So it is called non-standard units. Okay students, now students we will learn about standard units of measurement of length. Standard units से हम जब भी measure करेंगे सबका measurement same आएगा. The first one is ruler. Ruler से already आप familiar हो कि ruler से हम कैसे measure कर सकते हैं, right students? The second one is a measuring tape. Measuring tape, you have already seen this. इससे हम क्या मेज़र कर सकते हैं, हम अपना क्लोथ मेज़र कर सकते हैं. यू कैन मेज़र अनदर थिंग्स यूजिंग दिस मेज़रिंग टैप ऑल्सो. आप लोग दूसरी चीज़ें भी इससे मेज़र कर सकते हो. दिस टैप इज़ ऑल्सो नोन एज अ मेज़रिंग टैप. ये मेज़रिंग टैप से भी हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मेज़र कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स अब हम किन किन चीज़ों का मेज़रमेंट कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे. जैसे कि यू कैन मेज़र योर क्लासरूम लेंथ. यू कैन ऑल्सो मेज़र द लेंथ ऑफ अ क्लासरूम बोर्ड, राइट स्टूडेंट्स? यू कैन ऑल्सो मेज़र डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक यू कैन मेज़र लेंथ ऑफ अ पेंसिल, राइट स्टूडेंट्स? आप पेंसिल का लेंथ भी मेज़र कर सकते हो यूजिंग स्केल. यूजिंग स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स यू कैन मेज़र डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ एंड कंट्रीज ऑल्सो. जैसे कि सूरत से पालनपुर कितना दूर है, राइट स्टूडेंट्स? यू कैन ऑल्सो मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्रीज, दैट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच का डिस्टेंस भी आप लोग मेज़र कर सकते हो यूजिंग दिस स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो मेज़र डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू स्कूल, राइट स्टूडेंट? आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है वो भी आप लोग मेज़र कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स वी विल लर्न अबाउट हाउ टू मेज़र यूजिंग अवर हैंड स्पान. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ हैंड स्पान? द हैंड स्पान इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ द लिटल फिंगर. अंगूठे और छोटी उंगली के बीच के डिस्टेंस को हैंड स्पान बोलते हैं. नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट मेजरिंग विथ मी. ओके स्टूडेंट्स, ओके लेट्स स्टार्ट. पुट योर हैंड लाइक दिस ऑन द ऑब्जेक्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12. Okay students, so the length of a classroom board is about 12 hand span. Now measuring length of a classroom using
आवा फुट स्पान, फुट स्पान से हम क्लासरूम का लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज फुट स्पान? स्टार्टिंग फ्रॉम आवर हील टू द फिंगर्स, उसके बीच के डिस्टेंस को हम फुट स्पान बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट काउंटिंग विथ मी. 1, 2, 3, 4, 5, 6. स्टूडेंट्स, आप काउंटिंग चालू रखिए. बिल्कुल इसी तरह आप लोग अपने रूम का मेजरमेंट लेंथ भी मेजर कर सकते हो. ओके स्टूडेंट, जस्ट वॉकिंग लाइक दिस. ओके, आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका रूम कितना लॉन्ग है, कितने फुट स्पान लॉन्ग है. कितने फुट स्पान हुए स्टूडेंट्स? इट इज़ अबाउट 19 फुट स्पान. सो योर क्लासरूम इज 19 फुट स्पान लॉन्ग. नाउ लर्न अबाउट क्यूबिट. व्हाट इज क्यूबिट? क्यूबिट किसे कहते हैं? क्यूबिट हम हमारे हाथ की लेंथ को भी कहते हैं. फ्रॉम आवर एल्बो टू द फिंगर्स, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्यूबिट कहते हैं. इससे भी हम ऑब्जेक्ट्स मेजर कर सकते हैं. अब क्यूबिट की मदद से मेजर कैसे करना है वो हम सीखें. स्टार्ट विथ मी, पुट योर हैंड्स लाइक दिस. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज 1 क्यूबिट. ओके, नाउ 2, 3, 4, 5, 6. Right students, the classroom board is about 6 cubits long. Measure like this only. Students, practice at your home. Okay students, practice by measuring things at your home using ruler, measuring tape, hand span, foot span and cubit, etc. So you can learn easily. Follow this video to measure. Okay students, have fun using this standard and non-standard by measuring things using this. What is the story? Let's read the story. The story is about 3 friends. 3 friends, a rabbit, an elephant and a deer, were playing together in a park. Tin doste, as you can see in the picture, a rabbit, a deer and elephant. Ye tino doste wo log ek bar ek park mein khel rahe the. To डियर को एक गेम खेलने का मन करता है. लेट्स सी, लेट अस सी हु क्रॉसिस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट. वो बोलता है कि चलो देखते हैं कि वहाँ पार्क में एक स्टोन का ब्रिज बना होगा, उसको क्रॉस कौन सबसे पहले कर लेगा वो देखते हैं. एज आई टॉट यू इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, I taught you foot span, hand span and cubit. So students, which topic is here? What we will learn about here? Yes, very good. We will learn about foot span by this story. Now, elephant says to both of them, but both of you run fast and I move slowly. I know that one of you would cross the bridge first. I don't want to play the game. डियर की बात सुन के एलिफेंट आर्ग्यूमेंट करने लगता है कि नहीं, तुम दोनों तो बहुत जल्दी दौड़ोगे लेकिन मैं इतनी फास्ट नहीं दौड़ सकता. मुझे पता है कि तुम दोनों में से कोई एक ही ब्रिज को जल्दी क्रॉस कर लेगा, पहले क्रॉस कर लेगा और गेम जीत जाएगा. सो मुझे ये गेम नहीं खेलनी है. बट रैबिट सेज, डोंट वरी, लेट्स मेक अ रूल, वी विल नॉट रन, वी विल वॉक. रैबिट सजेस्ट करता है कि टेंशन मत लो, हम एक रूल बनाते हैं, हम दौड़ेंगे नहीं, हम चल के ब्रिज को क्रॉस करेंगे. येस, इट विल बी फन, चलो बहुत मजा आने वाला है. सो तीनों दोस्त अब अपने अपने फुट स्पान की वजह से कौन गेम जीतता है वो हम देखेंगे. दे स्टार्टेड द गेम, वो गेम स्टार्ट करते हैं. सरप्राइजिंगली एट द एंड एलिफेंट वन, अचानक से लास्ट में क्या होता है, एलिफेंट जीत जाता है. यस स्टूडेंट्स, कैन यू टेल व्हाई द एलिफेंट वन?
स्टूडेंट्स, क्या आप लोग बता सकते हो कि एलिफेंट क्यों चीट गया? यस, वेरी गुड। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट जो है फुट स्पान, हैंड स्पान एंड क्यूबिट, सबका साइज पर्सन टू पर्सन साइज सेम नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह एनिमल्स में भी उनके पाँव का साइज, मतलब कि फुट स्पान का साइज सेम नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फुट स्पान किसका था? Yes, the biggest foot span is of elephant. So, at the end, he won the game. Yes, students. And who lost the game? Yes, very good. Rabbit, because rabbit's foot span is too small. So, he cannot walk fast. So, he lost the game. Okay, students. Who takes the biggest steps? कौन बड़े-बड़े steps ले सकता है? Obviously, students. जिसके फुट स्पान बड़े वो बड़े बड़े स्टेप्स ले सकता है। सो द आंसर इज एन एलिफेंट। तो आंसर क्या है? एलिफेंट। यू हैव टू राइट हियर एन एलिफेंट फुट स्पान इज बिग, सो ही टेक्स द बिगेस्ट स्टेप। एक्ट आउट दिस स्टोरी। आपको ये स्टोरी अपने आप से एक्ट आउट करनी है कि स्पेशली हुआ क्या होगा। एज आई टोल्ड यू, एलिफेंट्स फुट स्पान वॉज इज बिगर देन बोथ ऑफ देम। दोनों से एलिफेंट के फुट स्पान बड़े हैं। सो ही वॉन द गेम। सो वो जल्दी चल पाया, उसने भी बिग स्टेप लिए और वो जल्दी ब्रिज क्रॉस कर सका, इसलिए वो गेम जीत गया। नाउ वन एक्टिविटी इज गिवन हीयर। टू फ्रेंड्स यू कैन सी इन द पिक्चर। हियर इज द वन फ्रेंड एंड हियर इज द सेकेंड फ्रेंड। वन फ्रेंड सेज टू अनदर, आई सिट हियर, आई विल फाइंड आउट हाउ फार माई फ्रेंड इज सिटिंग। मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं चल के चेक करूँगा। वो चल के चेक करना चाहता है कि मेरा दूसरा फ्रेंड मुझसे कितना दूर बैठा है। कैसे चेक करेगा स्टूडेंट्स? यस, बाय वॉकिंग। दैट्स मीन बाय यूजिंग फुट स्पान। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह बिल्कुल आप भी अपना और अपने फ्रेंड के बीच का डिस्टेंस चेक कर सकते हो। सपोज आप एक चेयर पर बैठे हो और आपके फादर, मदर, आपका ब्रदर और सिस्टर जो भी अवेलेबल है वो कोई और चेयर पे या सोफा पे कहीं और बैठेगा, और आप अपनी प्लेस से लेकर वो दूसरी प्लेस तक चल के मेज़र कर सकते हो कि कितने फुट स्पान दूर मेरा फ्रेंड, मेरे पापा, मम्मी, सिस्टर और ब्रदर बैठा हुआ है। राइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट मेजरिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन डू इट विथ बाय मेकिंग अ ग्रुप ऑल्सो। मेक अ ग्रुप ऑफ 3-4 फ्रेंड्स। तीन चार दोस्तों का ग्रुप बना सकते हो। फाइंड आउट बाई ड्राॅइंग लाइन्स हुज स्टेप इज द लॉन्गेस्ट। और आपको क्या करना है कि स्टेप किसका स्टेप लॉन्गेस्ट है वो चेक करना है एक लाइन ड्रॉ करके। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि सबका फुट स्पान वगैरह सेम टू सेम नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। आपको एक जगह से दूसरी जगह के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्लासरूम कितना लॉन्ग है वो मेज़र किया था। बिल्कुल इसी तरह द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास। अभी आप लोग घर पे हो तो आप अपने रूम में एक डोर के पास खड़े रह के विंडो तक, कोई एक रूम की विंडो तक चल के मेज़र कर सकते हो कि डोर से विंडो कितना दूर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड वन इज़ द ब्लैक बोर्ड एंड वेयर आर यू सिटिंग। नाउ आप लोग ब्लैक बोर्ड की जगह पर कोई और ऑब्जेक्ट को टारगेट बना सकते हो, और आप लोग जहाँ बैठे हो वहाँ से लेकर वो ऑब्जेक्ट तक चल के आपको चेक करना है कि आप और वो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है। So you have to practice it as your homework. Do it at your home and have fun. Okay students, so take care and Allah Hafiz. Stay home, stay safe. Interesting activities we will see. First activity, hand or fingers.
hand or fingers. Result wants to find out the length of a few things using his handspan. ये रजत है, वो कुछ चीजें आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, मेजर करना चाहता है अपने हैंडस्पान की मदद से. ओके स्टूडेंट्स, दिस आर शोन इन द पिक्चर, आप लोग पिक्चर में देख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, कौन कौन सी चीजें हैं? हियर इज अ बैट, ए मैथमेटिक मैजिक टेक्स्ट बुक, वन पेंसिल, वन शार्पनर एंड वन इरेजर ऑन द टेबल, वन मैच बॉक्स अंडर द टेबल, टेबल के नीचे एक मैच बॉक्स देख सकते हो आप लोग, राइट स्टूडेंट्स, एंड वन टेबल इज हियर ऑल्सो. सो रजत क्या करना चाहता है, इन सारी चीजों का लेंथ मेजर करना चाहता है अपने हैंडस्पान की मदद से. ओके स्टूडेंट्स, कैन ही यूज ए हैंडस्पान टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दिस, क्या वो अपना हैंडस्पान यूज कर सकता है ये सारी चीजों की लेंथ मेजर करने के लिए? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, ही कैन यूज हिज हैंडस्पान टू मेजर ऑल दिस थिंग्स, राइट स्टूडेंट्स. वो अपना हैंडस्पान ये बैट, ये बुक, मैच टेबल मेजर करने के लिए वो अपना हैंडस्पान यूज कर सकता है. Which things around you are less than your hand span, name them. कौन सी चीजें आपके सराउंडिंग में ऐसी है जो जिसका लेंथ आपके एक हैंड स्पान से भी कम है? है किस कुछ चीजें ऐसी? Yes students, बहुत सारी चीजें ऐसी अवेलेबल है आपके सराउंडिंग में जो एक हैंड स्पान से भी कम लेंथ की हो सकती है, जैसे कि आपका इरेजर, आपका शार्पनर और कुछ भी और कुछ बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिसका मेजरमेंट एक हैंड स्पान से भी कम होगा. यहाँ पर आप लोग ये इरेजर, ये शार्पनर और पेंसिल, छोटी वाली पेंसिल जिसकी लेंथ कम हो, वो आप लोग अपने फिंगर्स की मदद से मेजर कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट वुड यू यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग्स, आप लोग क्या यूज करोगे वो छोटी लेंथ की चीजों को मेजर करने के लिए? कौन सी चीज, कौन क्या यूज करोगे स्टूडेंट्स? थिंक अबाउट इट, सोचो जरा. यस, वेरी गुड, यू कैन यूज रूलर, आप लोग स्केल यूज कर सकते हो. ऑब्वियसली ये छोटी छोटी चीजों का मेजर एक्चुअल मेजरमेंट पता कर सकते हो उसकी मदद से. और दूसरा क्या यूज कर सकते हो आप लोग? अपनी फिंगर्स यूज कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स. फिंगर से कैसे मेजर करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर हाउ यू कैन मेजर लेंथ ऑफ अ बैट, अ टेबल एंड मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक एंड अनदर थिंग्स लाइंग हियर इन द पिक्चर. लेट्स सी व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ बैट एंड लेंथ ऑफ अ टेबल. हियर यू कैन सी A bat is given, right students? ये bat है. Okay students, तो bat के ये end से लेकर ये end तक का distance को हम क्या बोलेंगे? Length. Okay, तो वो अपने handspan की मदद से उसकी length measure करेगा. बिल्कुल इसी तरह टेबल का लेंथ भी वो मेजर करेगा ये एंड से लेकर ये दूसरे एंड तक का. ओके स्टूडेंट्स, उसके लिए वो क्या यूज करेगा? अगेन हिज हैंड स्पान. नाउ ही विल मेजर ए मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक यूजिंग हिज हैंड स्पान एंड ही विल मेजर मैच बॉक्स यूजिंग हिज फिंगर्स. ही कैन ऑल्सो मेजर हिज पेंसिल. If the pencil is long, he can use his hand span to measure the pencil. Otherwise, he will use his fingers. वो या तो छोटी पेंसिल होगी तो क्या यूज करेगा? अपनी फिंगर्स. Otherwise, he will use his hand span. Okay, students. और वो अपनी फिंगर्स की मदद से ये दोनों चीजें, that means eraser and sharpener, measure करेगा. Okay, students. Now, you have to measure all these things at your home. Practice it with using your hands, measuring things using your hand span and your fingers. Okay, students. Now let's see at another activity.
वेटिंग. ओके स्टूडेंट्स, सो द अनदर एक्टिविटी इज हियर, मेक अ मड हाउस, सी हूज मड हाउस इज हायर. यू कैन सी इन द पिक्चर टू चिल्ड्रन मेड अ मड हाउस. मड हाउस मीन्स, यस स्टूडेंट्स, मिट्टी का बना हुआ घर जो आप लोग खेलने के लिए बनाते हो. आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर या अपने भाई बहन के साथ मिलकर ऐसे मड हाउस बनाना है. ओके स्टूडेंट्स, विथ योर विथ द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, योर ब्रदर एंड योर सिस्टर, ऐसे मड हाउस बनाना है. और क्या करना है, यू कैन यूज योर फिंगर्स टू फाइंड हाउ हाई योर मड हाउस इज. आपको क्या करना है, अपना फिंगर्स या तो हैंड स्पॉन यूज करके आप लोग ये मड हाउस का हाइट मेजर करना है और चेक करना है कि किसका मड हाउस हायर है, मतलब कि लंबा है, साइज में बड़ा है, और किसका स्मॉलेस्ट है, दैट मींस किसका छोटा है. टू क्वेश्चंस आर गिवन, हु मेड द हाईएस्ट मड हाउस एंड हूज मड हाउस इज द स्मॉलेस्ट. किसने बड़ा मड हाउस बनाया है और किसने छोटा मड हाउस बनाया है, ये आपको मेजरिंग करने के बाद पता चल जाएगा. ऑब्वियसली यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो गर्ल है उसने बॉय से हायर मड हाउस बनाया है, मतलब कि उसके मड हाउस की लेंथ ज्यादा है और बॉय के मड हाउस की लेंथ ऑब्वियसली कम है. सो बॉय का हाउस स्मॉलेस्ट है और गर्ल का हाउस हाईएस्ट है. राइट स्टूडेंट्स, नाउ सी एट द नेक्स्ट टॉपिक, मेक अ गैस. आपको सिर्फ यहाँ पर गैस करना है ये दोनों कोकोनट ट्रीज का लेंथ कितना होगा. सी इन द क्वेश्चन, सी इट इज टू कोकोनट ट्रीज. जैसे कि आप लोग देख चुके हो ये टू कोकोनट ट्रीज. इफ द बिगर ट्री इज 6 meters हाई, ये जो बड़ा ट्री है 6 meter लंबा है. ओके स्टूडेंट्स, तो अबाउट हाउ हाई इज द स्मॉलर ट्री, तो ये जो छोटा ट्री है वो कितना लॉन्ग होगा. जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है ये ट्री का लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, 6 meter. तो ऑब्वियसली ये ट्री आपको उसका आधा दिख रहा है, मतलब कि ये बड़ा वाला ट्री छोटे वाले ट्री से डबल है, ट्वाइस है, 6 meter. तो 6 meter का आधा कितना हुआ स्टूडेंट्स, यस वेरी गुड, 3 meters. तो अप्रोक्सीमेट इसका हाइट कितना है, 3 meters लॉन्ग द स्मॉल कोकोनट ट्री इज. राइट स्टूडेंट्स, लेट्स सी एट अनदर पेज. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट योर आंसर लाइक दिस इन योर टेक्स्ट बुक. ओके स्टूडेंट्स, कैसे लिखो कि आप लोग ये ट्री को 6 meter बताना है और ये ट्री उसका आधा है, तो आपको उसको एज अ 3 meter मेजरमेंट उसका बताना है, क्योंकि ये बड़ा वाला ट्री छोटे वाले ट्री से डबल है. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल.